हाय फ्रेंड्स, मैं अमित जैन, आईटी गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ क्यों खिल टोटल सिक्योरिटी आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में कैसे इंस्टॉल करोगे। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। तो फिर चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे और इसे ओपन करेंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे क्विक क्विक हिल डाउनलोड, क्लिक के एंटर मारेंगे। सबसे पहले ऊपर वाला ही पहले ही आ जाएगा, क्विक.com की साइट आ जाएगी, डाउनलोड सॉफ्टवेयर, इसी पे क्लिक करना है आपको। इस पे क्लिक करेंगे, इसको आप क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन होगी। क्विक की साइट है ये। इसके अंदर अगर आप फ्री वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हो तो डाउनलोड में जाके और फ्री ट्रायल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपके पास क्विक का लाइसेंस वर्जन है, क्विक के सीरियल नंबर आपके पास अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप इसका प्रोडक्ट की डालोगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा वो। अगर आपके पास क्विक टोटल सिक्योरिटी, क्विक इंटरनेट सिक्योरिटी और क्विक प्रो का वर्जन आता है, इसमें तीन वर्जन आते हैं, उनमें से किसी का भी आप सीरियल नंबर डालोगे तो इसके अंदर वो उसी का डाउनलोड का ऑप्शन आपको दे देगा जिसका आपका सीरियल नंबर है। और अगर आपको ये एंटीवायरस परचेज करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हो। तो मैं इसमें सीरियल नंबर फिलअप करता हूँ। मैंने इसमें सीरियल नंबर फिलअप कर दिए हैं। अब इसके बाद ये की भी फिलअप करनी पड़ेगी। एंड देन सबमिट पे क्लिक करेंगे। मैंने इसमें क्विक टोटल सिक्योरिटी का सीरियल नंबर डाला था और इसने उसका डाउनलोड लिंक मुझे दे दिया है। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। इसका वर्जन 22.00 है और साइज 5.35 to 243 MB। इसके बीच में कितना भी हो सकता है क्योंकि अपडेट होता रहता है, तो उस हिसाब से इसका साइज भी कम ज़्यादा होता रहता है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे जहाँ पे भी ऑप्शन देता है आप डाउनलोड में इसको सेव कर लेंगे। एक छोटी सी फाइल डाउनलोड होगी, फिर इसको रन करना होता है आपको। इस पर अपन डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे तो ये पूछ रहा है आपको यस करने के लिए, अपन यस कर देंगे। अब एक विंडो ओपन हुई है। इसके अंदर आपको सबसे पहले इस पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करके लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले ये डाउनलोड होगा, फिर इंस्टॉल होगा, फिर रजिस्टर्ड होगा। ये तीन ऑप्शन है इसके अंदर। तो लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करते हैं अपन। अब ये आपकी नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपकी नेट की स्पीड क्या है, उस हिसाब से ये फटाफट डाउनलोड भी हो जाएगा अगर आपने ब्रॉडबैंड का कनेक्शन ले रखा है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और ये अपना डाउनलोड होता जा रहा है, अभी बस एक मिनट के अंदर अंदर ये डाउनलोड हो जाएगा। मैं स्किप कर देता हूँ इसको। हाँ दोस्तों, ये डाउनलोड हो चुका है। अब इसके बाद यह ऑप्शन आया है कि इंस्टॉल करने के लिए आपको लोकेशन मांग रहा है कि किस लोकेशन पर आपको इंस्टॉल करना है। इसके अंदर प्रोग्राम फाइल्स की लोकेशन दी हुई है, आप इसको चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। आपको किसी और लोकेशन पे इंस्टॉल करना है, सी के अलावा डी में, ई में इंस्टॉल करना है तो आप कर सकते हो। वैसे यही लोकेशन बेस्ट होती है। और इसके बाद आपको इसको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये इंस्टॉलेशन हो रहा है। दोस्तों, सबसे बेस्ट ये होता है कि आप ओरिजिनल एंटीवायरस ही लो, क्योंकि आप पायरेटेड के चक्करों में फंसते हो तो वो क्रेक वर्जन होता है और क्रेक वर्जन एंटीवायरस की जगह वायरस का काम करता है। हो सकता है कि वो आपके डाटा को चुरा ले और उसका मिसयूज करे,
तो इससे अच्छा होता है अगर आप एंटीवायरस ले ही रहे हो तो फिर ओरिजिनल ही लो। इसमें इंस्टॉल करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, ये आपकी नेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है, वो डाउनलोड कितनी देर में होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डालनी होती है आपको प्रोडक्ट की। अभी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन चालू हो गया है, अब इसको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की डालनी होती है। फिर इसके बाद यहाँ पे डीलर कोड अगर आपके पास कुछ हो तो, नहीं तो इसके बाद फिर आपको करना होता है रजिस्टर नाउ। इसके बाद एक नया विंडो ओपन होता है जिसके अंदर उस आपको अपना नाम और आपकी लोकेशन डालनी होती है, आपका मोबाइल नंबर डालना होता है और आपका ईमेल आईडी डालना होता है। और इसके बाद आप उसको नेक्स्ट कर दोगे तो आपका जो भी एंटीवायरस है वो 1 साल के लिए है या 3 साल के लिए है वो रजिस्टर हो जाएगा और उसमें वो शो कर देगा कि कितने टाइम की उसकी वैलिडिटी है। अभी मुझे इसको रजिस्टर नहीं करना है, इसलिए मैं रजिस्टर लेटर कर रहा हूँ। फिनिश। आप भी इसको टेम्प्रेरी अगर यूज करने के लिए अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन आपके पास सीरियल नंबर होना चाहिए इस तरीके से भी डाउनलोड करने के लिए, या फिर आप ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। हाँ देखो दोस्तों, ये एंटीवायरस इंस्टॉल हो गया है, ये इसका पैनल है पूरा। इसके अंदर ये प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे प्रोटेक्शन दिखा रहा है कि किस किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है आपको। ये रैनसमवेयर का प्रोटेक्शन भी करता है जो कि आपके डेटा को कन्वर्ट कर देता है कोडिंग के थ्रू किसी दूसरी फाइल्स में, वो वापस से डिकोड नहीं होती और उसके लिए वो पैसे मांगता है, और इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। इससे बढ़िया है कि आप अगर एंटीवायरस लगा के रखते हो तो फिर आप रैनसमवेयर वायरस से भी बच सकते हो। प्राइवेसी है, ये परफॉर्मेंस है, सेटिंग्स, पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हो आप इसको। अगर आप इसको रजिस्टर कर देते हो तो यहाँ पे आपको राइट का निशान आ जाता है, यहाँ पे वैलिडिटी आ जाती है। ये इसमें वायरस डेटाबेस दिखा रहा है, ये 14 फरवरी 2020 तक का डेटाबेस इसके अंदर आ चुका है। ये यहाँ पे एक पीसी ट्यूनर है, आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपको इसके टू नाउ पे क्लिक करोगे तो ये आपकी टेम्प्रेरी फाइल रजिस्ट्री को ट्रैक को इनको क्लियर कर देगा, जिससे आपकी स्पीड हल्की फुल्की इंक्रीज हो जाएगी। ये स्कैन नाउ है, इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एरो पे तो ये क्विक स्कैन, फुल सिस्टम स्कैन, इसके अंदर आप पूरा सिस्टम स्कैन हो जाएगा एक ही बार पे। कस्टम स्कैन, इसमें आप किसी पर्टिकुलर ड्राइव को स्कैन कर सकते हो। मेमोरी स्कैन, आप इसकी मेमोरी को इनको स्कैन कर सकते हो। बूट टाइम स्कैन, इसमें आप इस पे क्लिक करके यस करोगे तो आपका सिस्टम जब रिस्टार्ट होगा तो उसके बाद ये डॉस मोड पे आपकी पूरी ड्राइव्स को इनको सबको स्कैन करेगा। कई बार इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो ये बूट टाइम स्कैन भी करा लेना चाहिए कभी कभी। ये मोबाइल स्कैन है। इस तरीके से दोस्तों आप अपने विंडोज़ 10 के अंदर क्विकल टोटल सिक्योरिटी इंस्टॉल कर सकते हो, क्विकल टोटल सिक्योरिटी डाउनलोड कर सकते हो, फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन और रजिस्ट्रेशन, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है आप किस तरीके से इसको करोगे। अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।